हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ ये हानिया आमिर वाला ड्रेस जो है ये आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एज इट इज़ मैंने इसको बनाया है। अगर आप लोगों को भी ये क्रश फैब्रिक नहीं मिलता है तो ज़रूर देखिए, मैं आप लोगों को बताऊँगी कहाँ मिलेगा आप लोगों को ये वाला फैब्रिक। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। एज इट इज़ हमने इस ड्रेस को बनाया है, बस फैब्रिक जो है वो मैंने डिफरेंट लिया है। इसका जो फैब्रिक है वो मैंने अलग लिया है, उन्होंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ किया है, तो आप लोग भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये ड्रेस मैंने इसको तैयार किया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो आसान तरीके से हम कैसे बना सकते हैं जो कि आप लोगों को मैं सिखाने वाली हूँ। बहुत आसान है इसको बनाना। तो साथ ही में अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की ड्रेसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो न्यू जो भी आप लोग मुझे पिक्चर भेज रहे हैं वो उसका भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको बनाते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए ये मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ये, बट जो है वो प्रिंटेड फैब्रिक है। इसके ऊपर गोल्डन प्रिंट है और इसमें जो जरी का जो लाइन होती है ना वो भी इसके अंदर इस तरह से ये कैमरा में ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा शाइन दिख रहा है इसमें। और इस तरह का ये मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है ये दुपट्टे के लिए, ओके। और ये क्रश फैब्रिक लिया है, और ये मैंने क्रश फैब्रिक ख़रीदा नहीं है, इसको मैंने घर पर ही इसको तैयार किया हुआ है। तो आप लोग भी इस तरह से क्रश करना चाहते हैं फैब्रिक को, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है क्रश फैब्रिक, तो ज़रीन बुटीक चैनल पर आप इसको क्रश करना सीख सकते हैं। वहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप घर पर ही इसको क्रश करना सीख सकते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो इसको मैंने क्रश कर लिया है फैब्रिक को। उन्होंने जो अंदर फ्रॉक पहना है वो क्रश फैब्रिक का ही फ्रॉक है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने ये अभी कर लिया है। तो चलिए इसकी लेंथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब ये जिस तरह से किया हुआ है ना, ये इतना फैब्रिक हमें नहीं लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं एक अपनी फुल लेंथ लगा देती हूँ। मेरी जो फुल लेंथ है वो 56 इंच है, तो इसमें हमने 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना ही होगा, ठीक है फैब्रिक। तो अब हम इसको डबल कर देते हैं। ये डबल करने के बाद हमारे फ्रंट वाले में बनेगा, ठीक है। देखिए, ये डबल करने के बाद मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूंगी इसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। इसका हमने जो घेरा है वो ज़्यादा करना है इसीलिए। अब ये जो बाकी का फैब्रिक है ये भी हम डबल में ही करेंगे, इसको भी हम दोनों को सिलाई लगाकर एक कर देंगे और इसको हम बैक में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक इसमें ज़्यादा चाहिए। तो अभी चलिए वो जो हमारा हमने जैकेट जो डाले हैं वो बनाना बताती हूँ मैं आप लोगों को। गाइज, मेरा जो फैब्रिक है वो डिफरेंट कलर हो गया था, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। तो अच्छा सा फैब्रिक लीजिएगा जो सेम कलर हो। तो हम सबसे पहले देखिए अपनी कुर्ती के लिए कैसे फोल्ड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से, तो आपका चेस्ट जो भी हो उसके हिसाब से आपको फोल्ड करना है 4th पार्ट, ठीक है। मैंने 10 इंच लिया है और 2 इंच मैंने इसमें मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है, देखिए 12 इंच लिया है मैंने, और कोई मेजरमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो कुछ इस तरह से जो है वो लेंथ में जो है वो आप लोगों को 5 इंच माइनस करते हुए लेना है अंदर वाले फ्रॉक से। तो अभी देखिए, ये मैंने इस तरह से ले लिया है, 4 फोल्ड है ये, एक बैक के लिए एक फ्रंट के लिए। यहाँ से मैंने लेंथ को जो है वो इस तरह से फोल्ड कर दिया है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा कर रखा है ताकि आप लोगों को दिखाई दे ये लेंथ में ज़्यादा है। तो यहाँ से हम लगा देते हैं शोल्डर के लिए, जो भी आपका शोल्डर हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाइए क्योंकि इसका जो नेक है वो छोटा है। तो यहाँ से आर्म होल के लिए लगा देते हैं, इतना ही ज़रूरत पड़ेगा हमें, और यहाँ से आर्म होल का शेप इसमें ये दे देते हैं, फ्रंट का आर्म होल और बैक का आर्म होल। तो इस तरह से अभी हमने दे देना है इसमें। अब हम इसमें चेस्ट लगा देते हैं। आपका जो भी चेस्ट हो ना उसको एज इट इज़ लगाइए, कुछ भी मत लगाइएगा, सिर्फ एज इट इज़ लगाइएगा इसमें चेस्ट के लिए। उसके बाद हम आर्म होल का निशान यहाँ पर लगा देंगे। ये लूज़ होने वाला है क्योंकि हम इसमें बीट्स लगाएंगे। नेक की चौड़ाई मैं इसमें रख रही हूँ 3 इंच पे इस तरह से, और यहाँ से मैं शोल्डर डाउन भी कर दूँगी, और यहाँ से मैंने रखा है बैक नेक के लिए 4 इंच मैंने फ्रंट के नेक के लिए रखा है। तो 3 इंच का ही नेक मैंने इसमें रखा है, सिलने के बाद 3.5 इंच हो जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से ये हो गया अभी हमारा नेक। यहाँ से शोल्डर डाउन कर देते हैं इस तरह से। तो ये हो गया अभी हमारा। अब हम इसको फटाफट से कट कर लेते हैं इस तरह से।
तो ये मैंने कट कर दिया अभी। तो अब देखिए गाइस, ये यहाँ पर हमने इसको सीधा सीधा निशान, ये देखिए इस तरह से सीधा ही हमने इसको करना है, बिल्कुल भी हमने इसमें कुछ लगाना नहीं है, ठीक है, सीधा ही रखना है हमने इसमें। अभी ये बैक पीस मैं हटा रही हूँ इसमें से, और जो हमारा फ्रंट है उसका हम आर्म होल कट कर लेते हैं, और इसका नेक जो है वो भी हम इसमें फटाफट से कट कर देंगे। देखिए ये हमारा आर्म होल हो गया, अब ये हमारा नेक है, मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है इसमें, बड़ा रखा है फ्रंट का नेक। तो अब ये हो गया, अभी हमारा, अब हमने इसमें क्या करना है वो देख लीजिएगा आप लोग। आपका जो भी मैं इसमें जो भी आपने मेजरमेंट इसमें रखे हैं उसको हमने यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, ठीक है। मेरा 10 इंच रखा था मैंने, 12 इंच मैंने अंदर फोल्ड करने के लिए रखा था इस तरह से। तो आपको इसको सीधा सीधा नीचे तक जो है इस तरह से ये फोल्ड करके यहाँ पर इसको इस तरह से आयरन कर दूंगी मैं, और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। चारों में हमने इसी तरह से करना है। तो मैं नेक बनाने के लिए ओरे पट्टी कट कर रही हूँ, ये देखिए ये इस तरह से ओरे पट्टी कट करके मैं इसका नेक बना लूँगी। ज़्यादा मैं इसको फ्यूजिंग के साथ नेक नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है फैब्रिक, सी थ्रू है, तो पीछे से ये दिखाई देगा, ठीक है। तो आगे से ये दिखाई देगा पीछे का जो भी हमने डाले हैं फ्यूजिंग वगैरह, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से पट्टी के साथ ही इसका नेक जो है वो फोल्ड करूँगी। देखिए ओरे पट्टी से आपको आता होगा, ओरे पट्टी से इसका नेक फोल्ड करना। तो आप लोग प्लेन फैब्रिक ही लीजिएगा, मैं मेरे पास यही था तो मैंने आप लोगों को ये सिखा दिया है, ठीक है। तो बैक नेक में भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। प्लेन फैब्रिक आप ऑर्गेंजा फैब्रिक लेकर बनाइए तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनता है। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से ये फोल्ड कर दिया है, ये देखिए यहाँ से जितना भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था ना उसको मैंने फोल्ड कर दिया है नीचे तक, देखिए नीचे तक फोल्ड कर दिया है। अब ये जो हमारा दामन है ना इसको भी हम फोल्ड कर देंगे। तो अभी देखिए अब नेक हमने बना लिए हैं, अब इसका जो शोल्डर है, देखिए ये बैक जो है ना इसको भी मैंने इसी तरह से फोल्ड किया है, देखिए इस तरह से मैंने ये फोल्ड कर दिया है। ये नेक मैंने इसको पट्टी को बनाकर आयरन करके लिया है, अब हम इसको शोल्डर जो है वो जोड़ देंगे इस तरह से। पट्टी वाला नेक ही बनाइएगा क्योंकि ये दिखाई देता है, इसीलिए हम पट्टी वाला नेक ही इसमें बनाएंगे तो ही अच्छा रहेगा। इसमें फ्यूजिंग वगैरह लगाकर आप इसमें नहीं बनाइए, ठीक है। तो अब देखिए इसका शोल्डर जो है वो हमने इसमें जोड़ देना है। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ से देखिए ये नेक हमारा तैयार हो जाएगा। बस इसके बाद जो है अभी हमने ये आर्म होल जो है ना, अब अगर आप इसमें स्लीव लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी इसमें आर्म होल को फिनिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें आर्म होल लगा लीजिएगा, स्लीव लगा लीजिएगा, ठीक है। वरना आप स्लीव नहीं लगाना चाहते हैं तो आप लोग इसको इस तरह से ओरे पट्टी रख के अपना आर्म होल जो है वो फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फिनिश करना है। गाइस पीछे से थोड़ी सी आवाज़ें आ रही है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा, त्यौहार चल रहा है तो इस तरह की आवाज़ें अभी आती ही रहेगी। तो अभी देखिए ये इस तरह से मैंने इसको सिलाई लगा दिया है, अब ये जो पल्स लिए हैं मैंने इस पल्स के साथ हमने इसको जोड़ देना है, ठीक है। आपसे आप इसको 3 से 4 इंच तक जो है वो पल्स के साथ जोड़ सकते हैं साइड की सिलाई, साइड की सिलाई तो इसमें है ही नहीं, पल्स के साथ ही आप इसको जोड़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ही जोड़ना है, ज़्यादा नहीं जोड़ना है, उतना ही जोड़ना है जितना कि आपके चेस्ट जो है ना वो कवर हो सके, उतना ही आपको इसमें जोड़ना है। तो मोटे वाले मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के पल लिए हैं तो वही मैंने इसके साथ इसमें जोड़ देना है। ये कैमरे में जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा था गाइस, तो बिल्कुल क्लियर जो वीडियो है वो नहीं बन पा रही थी मेरी, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कैसे भी बना दिया है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है इस ड्रेस की, और ये बहुत ही जो है वो कॉस्टली मिल रहा था, 27,000 का ये ड्रेस मिल रहा था जो कि मैंने इसको बनाया है, 1,000 रुपीज़ भी इसका खर्च नहीं आया है। अगर आप लोग अच्छा फैब्रिक लेते हो तो भी आप लोगों का 3 से 4 हज़ार में ये आराम से बन जाएगा, बहुत ही अच्छा फैब्रिक अगर आप लोग लोगे तो भी, ठीक है। तो ये बहुत ही कम प्राइस में मैंने इसको तैयार किया हुआ है। तो चलिए देखिए इसी तरह से मैं नीचे तक जो है वो थोड़ा सा 4 इंच तक, 4 से 3.5 इंच तक मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँगी दोनों तरफ से, देखिए कुछ इस तरह से बंद कर दिया है मैंने पल्स के साथ। तो चलिए अब ये इतना हो गया, अभी इसका जो पैटर्न है वो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को आखिर में। तो अभी ये जो हमने क्रश फैब्रिक जो है वो लिए हैं, ये जॉइंट कर दिया है मैंने इसको एक दूसरे के साथ में, ये हमारे
6 मीटर फैब्रिक मैंने इसको लिया था, क्योंकि मेरी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, 56 इंच मेरी लेंथ है। तो उस तरह से 56 के जो है वो मैंने 4 पीस लिए हैं, 56 के 4 पीस लेकर मैंने इसको दो किया है, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, कुछ भी नहीं करना है इसको, आपको बिल्कुल खींचना नहीं है फैब्रिक को। और इस तरह से आप लोग जो भी आपका मेजरमेंट है वो ऊपर से इस तरह से रखिए, और यहाँ से इसको एज इट इज़ कट कर लीजिए। कुछ मार्जिन रखना है या फिर कुछ भी रखना है ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ से मैंने नेक कट कर दिया, यहाँ से मैंने शोल्डर कट कर दिया, इस तरह से मार्जिन वगैरह कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो क्रश फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा लूज़ रहता है। अगर आप लोगों का क्रश फैब्रिक ज़्यादा क्रश में नहीं है तो आप इसको मेजरमेंट में अच्छे से कट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये यहाँ से हमने अच्छे से इसको सेट करना है, उसके बाद ही हमने इसको ये कट करना है। अंदर से ये बहुत ज़्यादा लूज़ था मेरे लिए, मैं इसको फिर से एक बार वॉश करूँगी फैब्रिक को, ये थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, मैं तो मैं इसको फिर से शेप देकर ए लाइन का मैं इसको सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। फिलहाल मैं आप लोगों के लिए सिखा रही हूँ, ये ए लाइन की तरह ही है, ठीक है। चेस्ट से ये सीधा सीधा ए लाइन इसमें शेप दे दिया गया है, और कोई शेप नहीं है इसमें, और शेप दे भी नहीं सकते इसको क्योंकि ये क्रश फैब्रिक है। तो इस तरह से ये लेंथ जो है वो मैंने 56 इंच से 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें दिया है, ताकि यहाँ से ये फोल्ड कर सके, ठीक है। देखिए ये यहाँ तक एक्स्ट्रा है, मैं इसको यहाँ से अच्छे से कट करके मैं इसको फिनिश करूँगी, यहाँ से ये एक्स्ट्रा जो भी निकला हुआ है ना, मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी। आपको भी इसी तरह से करना है, वरना ये जो कोने हैं ना ये निकलने लगेंगे, ठीक है। ये देखिए अच्छे से मैं थोड़ा सा और यहाँ से जो है वो, जैसे हमें अपनी ए लाइन के लिए कट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको ये कट करके हटा देना है। ये देखिए यहाँ से भी मैं इसको ये कट कर देती हूँ। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को इसको कट करने में, तो बस इतना ही था गाइस। आप लोगों को ये कुछ अजीब ही लग रहा होगा, ये इसी तरह का होता है। अब इसको थोड़ा सा संभाल के इसको बनाना पड़ता है, भी ज़्यादा खींचना नहीं है इसको। और ये जैसा है ना हमारा शोल्डर कितना है, उतना आप लोगों को इसमें सिल देना है। ये फ्रंट वाले में थोड़ा सा मैं इसको कट करके हटा रही हूँ, क्योंकि हमारा ये फ्रंट का जो है हमारा वो शेप में ही रहता है थोड़ा सा, तो मैं इसको थोड़ा सा शेप में इस तरह से ये कट कर दूँगी। ये फ्रंट है हमारा, ओके गाइस। तो मैं जो अपनी स्लीव है ना वो इसी में लगाऊंगी, ऊपर जो हमने जैकेट बनाए हैं उसमें नहीं लगाऊंगी मैं, बिल्कुल इसी में लगाऊंगी अपनी स्लीव को, इसी में ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो ऊपर वाले में इतना कुछ खास नहीं लगेगा, तो इसी में लगाऊंगी। वो स्लीवलेस है, हानिया मैंने जो वेयर किया है वो स्लीवलेस था। तो अब देखिए ये यहाँ से मैं इसको शोल्डर को 7 इंच का मेरा शोल्डर था, तो मैं 3 इंच इसको हटा के इस तरह से 4 इंच पे एक सिलाई लगा दूंगी, उसके बाद ही मैं इसको शोल्डर ज्वाइन करूंगी, ठीक है। तो अभी हमने बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगाना है, आर्मोल में भी हम बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। नेक भी मैंने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर दिया है, ताकि ये हमारा फ्रंट नेक है तो बड़ा ही रहेगा हमारा। तो अभी बिल्कुल ये खींचना नहीं है, जैसा हमारा ये फोल्ड हो रहा है बिल्कुल वैसे ही इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैं इसको निशान लगाकर इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी शोल्डर में, ठीक है। तो नेक भी हम बिल्कुल ऐसे ही सिलेंगे, बिल्कुल खींच खींच कर इसका नेक नहीं बनाएंगे। देखिए मैंने ऑलरेडी फ्यूजिंग में बना कर रखा है, जैसे हम अपने नेक के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब हमने इस नेक के ऊपर इस फैब्रिक को सेट करते हुए बनाना है, ठीक है। जैसा हमारा नेक है बिल्कुल वैसे ही फैब्रिक को सेट करना है, वरना ये आपका फैब्रिक ना ऊपर नीचे हो जाएगा और खींच भी जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये बैक नेक है, ये बैक नेक भी हम बिल्कुल ऐसे ही सिलेंगे, बिल्कुल खींचेंगे नहीं इसको। ये देखिए अच्छे से इस तरह से नेक के साथ साथ हम इसको अच्छे से सेट करेंगे, फिर इसको सिल देंगे। और उसके बाद जो है मैं इसका शोल्डर जो है वो आप लोगों को लगाना बता देती हूँ, नेक बना देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को इसका शोल्डर जोड़ना है वो बता देती हूँ। गाइस ये कैसे क्रश करते हैं ये वह फैब्रिक, ये आप लोग सीख सकते हैं मेरे ज़रीन ब्यूटिक चैनल पर। प्लीज़ आप लोग मेरे ज़रीन ब्यूटिक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने क्रश करना आप लोगों को बता दिया है। चैनल वीडियो अपलोड हो चुकी है उस चैनल पर, तो आप लोग वहाँ से इसको देखकर सीख सकते हैं। कोई भी दुपट्टे में भी आप इसको इस तरह से क्रश कर सकते हैं। आप इसको आयरन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ वॉश कर सकते हैं और सुखा सकते हैं। इसको ड्राई कर लीजिएगा वॉश करके, बिल्कुल इसको आयरन नहीं करना है इसके ऊपर, ओके।
तो अभी देखिए ये मैंने नेक अभी सिल दिया है। अब मैं यहाँ से इसका नेक जो है वो सिल दूंगी, नेक जो है वो शोल्डर जो है वो इस तरह से ये सिल दूंगी। तो पिन लगाकर मैं आप लोगों को इस तरह से ये दिखा देती हूँ। और नॉर्मल हमारी जो बेसिक स्लीव होती है वही मैंने इसमें लगाया है। इसमें जो है ना मैंने इसको बनाने के लिए जब लिया था ना तो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था इसको बनाने के लिए। हाँ मैं इसको बना रही हूँ, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, सब मैं सोच रही थी। बाद में से मैं इसको आगे बताऊँगी आप लोगों को मैंने इसमें क्या, मुझे दिल मेरा जो टूट गया ना इसको बनाने में, वो मेरा क्यों टूटा वो मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। तो देखते रहिएगा वीडियो को। मैं यहाँ से इसकी साइड की सिलाई लगा देती हूँ हाफ इंच पर, कुछ नहीं करूँगी, हाफ इंच पर इसकी साइड की सिलाई लगा दूँगी। तो इसमें मैंने क्या बिगाड़ा है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, तो वीडियो के ज़रूर देखते रहिएगा एंड तक। साइड की सिलाई मैंने लगा दिया, ये आर्मोल पे भी मैंने इस तरह से सिलाई लगा दिया है ताकि आर्मोल हमारा बड़ा ना हो स्लीव में। ये देखिए नॉर्मल जो स्लीव है ना वही मैंने कट किया है इसमें, ठीक है। 3/4 स्लीव रखा है मैंने इसमें। स्लीवलेस तो हम नहीं पहन सकते तो हमको स्लीव तो लगाना ही है, तो ये मैंने 3/4 स्लीव इसमें ये लगा दिया है फ्रॉक में अंदर वाले, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे अगर आप लोगों का बड़ा आर्मोल होता है तो आप इसको थोड़ा सा क्रश करते हुए इसको बना दीजिएगा। तो अब देखिए कुछ इस तरह से इसका ये घेरा बन चुका है, बहुत ज़्यादा क्रश हो चुका है ये फैब्रिक, थोड़ा सा भी खुल नहीं रहा था ये फैब्रिक इस तरह से। तो नीचे भी हम इसको फोल्ड करके देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। नीचे देखिए किस तरह से ये फोल्ड हो रहा है, नीचे से भी मैंने इसको डबल फोल्ड करके इसको सिलाई लगा दिया है। तो ये हमारा जो ड्रेस है ये बन चुका है। तो इसका जो जैकेट है ना ये भी इस तरह से तैयार हो चुका है। मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ मेरा दिल इसका इसके लिए क्यों टूट गया, ये ड्रेस मुझे क्यों थोड़ा सा अजीब लग गया। मैंने जब ये अंदर वाला जो फ्रॉक है ना इसको मैंने अपना क्रश करके, इसको क्रश करने के लिए मैंने जो प्रोसीजर किया है ना इसके ऊपर, उसकी वजह से इसका जो डाई है ना वो थोड़ा सा निकल गया, ठीक है, फैब्रिक का। तो इसका जो कलर है ना वो डिफरेंट हो गया, ऊपर वाले जैकेट से और अंदर वाले फ्रॉक से इसका कलर जो है ना वो अलग हो गया। वो ऐसा लग रहा है कि ना ये अलग फैब्रिक है ये अलग फैब्रिक है। जब मैंने इसको लिया था ना बाई किया था दोनों का कलर सेम था, समझ रहे हो, तो दोनों का कलर सेम था और इसका कलर जो है ना वो अलग हो गया, इसका थोड़ा सा डाई जो है वो निकल गया। अब वो कैसे निकला वो आप लोग ज़रीन बुटीक चैनल पर देख लीजिएगा क्यों निकला इसका कलर, ये देखना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को भी इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको अभी बनाने के लिए ये मैंने पेटल शेप में स्टोन लिए हैं और ये राउंड शेप में स्टोन लिए हैं। ये होल वाले स्टोन हैं जो कि थोड़े से अच्छे वाले स्टोन होते हैं, 2 रुपीज़ पीस मुझे ये मिले हैं ये पेटल शेप वाले। और यहाँ से 26,000 मैंने लिया है। अब हम इसको इसके ऊपर इस तरह से ग्लू करते हुए इस स्टोन को लगा देंगे, ठीक है। तो गाइस जो गलती मैंने की है फैब्रिक के लिए वो आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पहले आप लोग क्रश कर लीजिए फैब्रिक को, उसके बाद ही आप लोग जो है वो इसके जैकेट के लिए फैब्रिक जो है वो बाई कीजिएगा, या फिर आप डायरेक्टली क्रश फैब्रिक ही बाई कीजिए ताकि आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये जो स्टोन है ना ये बहुत ज़्यादा इसकी शाइनिंग आ रही थी जिसकी वजह से ना वीडियो में ना कैमरा में जो ना बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो लाइट ऑफ करके अंधेरे में इसको जो है वो किया है। तो होप कि आप लोगों को ये समझ पा रहे हो, तो थोड़ा सा ये आप लोगों को लाइट कम लगेगी वीडियो में, तो बस ये दिखाई नहीं दे रहा था तो लाइट इसकी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो रोशनी कम करके बनाया है। बस आप लोगों को ये मैं दिखाना चाहती थी कैसे इसका शेप बना हुआ है, कैसे उन्होंने इसके ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी किया है, कैसे इसको चिपकाया है मतलब, ठीक है। तो आप देखिए कुछ इस तरह से उन्होंने जैसा उन्होंने किया है ना बिल्कुल मैंने वैसे ही करने की कोशिश की है। आप लोग अच्छा फैब्रिक खरीदीजिएगा, अच्छा लगता है ड्रेस, बट मेरा यही कि इसका डाई जो है वो थोड़ा सा लाइट हो गया जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं इसको पता नहीं आगे वेयर करूँगी भी या नहीं, बट क्या ही करें अभी मेरे पास वक्त भी नहीं था ताकि मैं इसको डिफरेंट दूसरा फैब्रिक ले सकूँ, बस आप लोगों को मैंने ये सिखा दिया है।
तो गाइज अभी देखिए ये यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। अब जितनी भी जगह जो खाली है ना उसमें हम इसको राउंड वाले छोटे वाले जो स्टोन है उसको हम इसमें फिल कर देंगे। बस इतना ही था इसका ये डिज़ाइन, बस इतना ही किया है इन्होंने। और ये जो वीडियो है ये जो ड्रेस है ये बहुत वायरल हो चुकी है। ठीक है, हर कोई हानिया आमिर के ही ड्रेस जो है वो देखना चाहता है, बाय करना चाहता है। वो चाहे कुछ भी हो जाए बस बाय करना है इसको और पहनना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको इसी तरह से घर पर भी बनाकर इस तरह से पहन सकते हैं। तो मैंने इसको हर जगह पर इस तरह से ये बिखेर दिया है छोटे छोटे स्टोन को। बस इसी तरह से इसका ये डिज़ाइन ना आप लोगों को कर देना है। बहुत आसान है और बहुत ही कम बजट में ये बन जाता है। देखिए कुछ इस तरह से पूरा ये फाइनल लुक है। मैंने इसमें जो प्रिंटेड जो फैब्रिक लिया ना वो आप लोग मत लीजिएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये। बस मुझे ये सिखाना था आप लोगों को, इसलिए मैंने ये स्टोन वर्क किया है, वरना मैं इसका स्टोन वर्क नहीं करती। ठीक है, बट आप लोग अगर प्लेन फैब्रिक लोगे तो इस तरह का स्टोन आप लोगों को करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने इसमें ये करके दिखा दिया आप लोगों को। ये मैंने जो प्रिंटेड फैब्रिक लिया ना ये मैंने गलती कर दिया, ये मुझे नहीं लेना चाहिए था, प्लेन ही लेना चाहिए था। बस मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको बाय कर लिया, आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखिए, अब नीचे जो दामन में उन्होंने पल लगाए हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नीडल में मैंने थ्रेड को डाल दिया है, 4 थ्रेड मैंने डाला है इसमें, और जो मैंने साइड में पल यूज़ किए हैं ना वही पल मैं नीचे भी यूज़ कर रही हूँ, और मैंने स्लीव में भी यही पल यूज़ किए हैं। ठीक है, तो बस थोड़ी दूर में इस तरह से ये 1 इंच का गैप मैंने इसमें रखा है पल्स के लिए। ये देखिए इस तरह से 1 इंच का गैप मैंने रखा है इसमें, और यहाँ से भी हम इसको इस तरह से 1-1 इंच का सुई के साथ ही मैंने इसके अंदर 1-1 इंच का गैप, धागा जो है वो आपका बाहर नहीं दिखना चाहिए, जो हमने फोल्ड किए हैं ना फैब्रिक उसके अंदर ही रहना चाहिए, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग इसको बनाइएगा। तो बस इतना ही था गाइस ये वीडियो, आप लोग भी अगर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए, बहुत ही अच्छा ड्रेस बनता है। बस जो मैंने आप लोगों को बताया है वही गलती आप मत कीजिएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का ड्रेस हमारा बना हुआ था। तो गाइस वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, और मेरे सेकेंड चैनल पर जो वीडियो है वो देखना मत भूलिए, और मेरे सेकेंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। ओके, तो गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो बाय, अल्लाह हाफिज़। आप लोग देख लीजिए इस ड्रेस को, और ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पर आप इस ड्रेस की पिक्चर भेजना मत भूलिएगा, मैं इसको स्टोरी पर लगाऊंगी।